हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए महानुभवगण, समाज के विद्वान नागरिकगण, पत्रकार साथीगण, मैं सबसे पहले वीरेंद्र जी को धन्यवाद दूंगा। उन्होंने पीपीआरसी को एक अवसर दिया, उनकी नया रिसर्चर को एक अवसर दिया, देश की लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जब 9 साल सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण की पक्ष पूरा हो रहा है, उस समय में उन्होंने, कोई भी सरकार चलाता है तो अपना उपलब्धि सामने लाने का कोशिश करता है, पक्ष तो सामने लाएगा ही विषयों को, लेकिन उसको एक समीक्षा करना, उसको सटीक तुलना करना, ये सही है या गलत है, इसकी दिशा कैसे रहा, जब तक ये कसौटी में तराजू नहीं जाएगी, उसकी एक इवैल्यूएशन नहीं किया जाएगा, तब उसकी अहमियत पता नहीं चलेगा। यहां दो प्रकार की कसौटी पकड़ के बैठने वाले लोग हैं, इन दोनों क्षेत्रों की अथॉरिटी बैठे हैं। मेरे को कहा गया हेल्थ सेक्टर की स्ट्रैटेजिस्ट, इम्प्लीमेंटर, उसके अंदर रुचि रखने वाले, पढ़ने लिखने वाले लोग, वैसे ही एजुकेशन फील्ड के, और उसके अलावा पत्रकार साथीगण भी है। मैं फिर एक बार सुमित जी को पीपीआरसी की इस अच्छे रिपोर्ट के लिए धन्यवाद देता हूं। हमें कहा गया ये उनकी पब्लिक पॉलिसी रिसर्च सेंटर के, ये उनका 7वां रिपोर्ट है। मोदी जी की सरकार की कई विभागों की आकलन करके, इवैल्यूएशन करके, उन्होंने एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट, एक पॉलिटिकल मूवमेंट के नाते, पॉलिटिकल परफॉर्मेंस के नाते, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी के नाते, उन्होंने एक तुलना किया पिछले 4 से 14 और 14 से 23, 10 और 9 साल की उन्होंने तुलना किया। कई आंकड़े तो ऐसे उसके अंदर ध्यान में आता है, एम्स दिल्ली में होता था, बाद में एम्स की एक दूसरा सेंटर बना कहीं, अटल जी आए तो उसको थोड़ा देश के अंदर फैलाव कराया, 6 बना, फिर 10 साल की सरकार आई मनमोहन सिंह जी की, एक एम्स उन्होंने जोड़ा, 1-6-1, उस एक की तुलना अभी 9 साल के अंदर 15 के साथ होती है, 1 और 15। मैं इसलिए हेल्थ से शुरू कर रहा हूं क्योंकि जितना मोटा मोटा सारे स्टैटिस्टिक्स सुमित जी ने आपके सामने रखा ही, लेकिन मैं एक इनसाइडर के नाते, सरकार की हिस्से के नाते, मैं 2-3 इनसाइड स्टोरी आपके सामने बताता हूं। मुझे डॉक्टर्स चाहिए देश में, मोदी जी की सरकार इसको डॉक्टर्स बनाने की जो व्यवस्था है ना, मेडिकल कॉलेज एमसीआई से रिफॉर्म करते हुए एनएमसी तक हम आए, नेशनल मेडिकल कमीशन तक आए। आज देश में 262 नया, पहले 380 तक कॉलेज थे, इधर उधर एक आधा स्टैटिस्टिक्स इस किताब में है, उस स्पष्ट आपको जानकारी हो जाएगी, लेकिन 380 प्लस कुछ थे, 82-83 ऐसा कुछ था। उसमें से 262 नए मेडिकल खुले, यानी आजादी के उपरांत 2014 तक देश में 380-85 मेडिकल कॉलेज, और 9 साल में 262 नए मेडिकल कॉलेज शुरू ही है। मूल पॉलिसी को रिफॉर्म जब तक हम नहीं करेंगे, एमबीबीएस की सीट बढ़ाना, पीजी की सीट बढ़ाना,
पीजी और एमबीबीएस में, क्योंकि कोई भी डॉक्टर आज बिना पीजी के पूर्णांग नहीं होता है, कॉम्प्लीट नहीं होता है। अगर सीटी कम रहेंगे तो फिर कहां जाएंगे बच्चे पढ़ने के लिए। इसलिए जितना एमबीबीएस की सीट उतना उसकी प्रोपोर्शनेटली पीजी की सीट आज नहीं है, लेकिन उसकी एक सब्सटेंटिव जंप हमारी सरकार ने उसकी योजना बना ली है, इंप्लीमेंटेशन भी शुरू कर दिया है और उसकी कंप्लीट करना बाकी है।